एमपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इनमें इंदौर की राव सीट समेत मालवा निमाड़ की 11 सीटें शामिल है। इस बार भी संगठन ने कैलाश विजयवर्गीय के खास माने जाने वाले जीतू जिराती को टिकट न देकर दोबारा मधु वर्मा को राव से चुनावी मैदान में उतार दिया है। बता दें कि मधु वर्मा अच्छी कार्यशैली वाले लीडर माने जाते हैं। 2018 के राव सीट के चुनाव में उन्होंने जीतू पटवारी को मात्र 5,700 वोटों के अंतर पर लाकर खड़ा कर दिया था। माना जा रहा है कि इस बार भी राव में मुकाबला तगड़ा होने वाला है। फिलहाल दूसरी बार आला कमान का विश्वास जीतने पर क्या कुछ बोले मधु वर्मा, आप भी सुनिए। सारे कार्यकर्ता, मतलब इतनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता लगे थे, लेकिन उस समय कांग्रेस के झूठे घोषणा पत्र के चक्कर में कुछ लोगों ने वोट नहीं दिए और वो चुनाव में 5,500 वोट से हारा हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर ये पहली सीट इंदौर के अंदर है कि बाकी जगहों पे सीट पे भारतीय जनता पार्टी के वोट कम हुए तो, और यहाँ पर कांग्रेस के वोट कम हुए कितने, 13,000 वोट। मतलब ये विधानसभा ऐसी हो गई थी, और वो सारा उसका सिरे जाता है सब कार्यकर्ताओं को। और जब वो जब 13,000 था रहे, तो मैंने प्रण कर लिया था कि जिन कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए जान लगाई है, जिन मतदाताओं ने मेरे लिए लाइन में लग कर के वोट दिए हैं, कहीं ना कहीं उसका कर्जा मुझे चुकाना है, मैं घर नहीं बैठूंगा। और उसको लक्ष्य को लेके मैं आज निकला हूं, और आज वो निकलने के बाद मैंने 4.5 साल के अंदर इतने काम करें, विकास के भी करें और एक एक कार्यकर्ता का काम किया कि मुझे आज प्रसन्नता है कि मतलब मैं कार्यकर्ताओं से आँख मिला के बात करता हूँ, मेरे मतदाताओं से आँख मिला के बात करता हूँ। और अब ये चुनाव मेरा कार्यकर्ता लड़ेगा और मेरे क्षेत्र के मतदाता चुनाव लड़ेंगे। वो मतलब पिछली बार की जो कमी हो गई, जो मतदाता अपना आपको ठगा महसूस कर रहा था, इस बार वो भारतीय जनता पार्टी को खुद जिताएगा चुनाव। मधुबे, कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं जीतू पटवारी को आप? मेरे कार्यकर्ता, मेरे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने भी इतने काम किए हैं, मैं उस चुनौती को चैलेंज मानते ही नहीं हूँ। बता दें कि आलाकमान ने दोबारा इसलिए भी मधु वर्मा पर भरोसा किया है क्योंकि वो राव विधानसभा में लगातार सक्रिय रहे हैं, साथ ही वो संघ और बीजेपी के दिग्गज नेताओं की भी पसंद माने जाते हैं। वहीं मधु वर्मा पूर्व में इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्हें मध्य प्रदेश के पिछड़ा आयोग वर्ग के कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिल चुका है। फिलहाल जो भी हो, लिस्ट जारी होने से पहले कयास यही लगाए जा रहे थे कि बीजेपी राव से इस बार जीतू जिराती को मौका देगी, लेकिन इस बार भी उन्हें निराश होना पड़ा और दोबारा संगठन ने मधु वर्मा पर विश्वास जताया। अब देखना होगा कि 2023 के दंगल में मधु क्या कमाल करते हैं। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।